संग नाच गाना एक्शन ड्रामा सब होगा, वो भी बॉलीवुड स्टार्स के साथ, क्योंकि आज है हमारा बॉलीवुड स्पेशल। लेकिन एक्टर से पहले आते हैं मेकर्स, सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू लाफ्टर की सबसे बड़ी फाइनेंसर पुरन की अर्चना पुरन सिंह, कॉमेडी के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर सुमन्स के शेखर सुमन और बॉक्स ऑफिस की चहेते डायरेक्टर शेट्टीज के रोहित शेट्टी। कॉमेडी सर्कस कॉमेडी के सबसे बड़े गुरुकुल के 3 स्तंभ है, पागलपंती, शानपत्ती और बेइज्जती। और इन तीनों बातों की ट्रेनिंग दी जाती है एक स्पेशल जिम में, जिसके ट्रेनर है शकील। Please welcome season 1 की पूरन, स्वप्निल, शकील और VIP various artists। क्या बताऊँ आप सबको, मैं आज अपने जिम के नए ब्रांच की ओपनिंग के लिए आया हूँ। शेखर जी खुदा कसम, मैंने सोचा था कि ओपनिंग आपसे कराऊंगा, फिर मैंने सोचा कि ओपनिंग सिर्फ जिम की करानी है तो आपको क्या तकलीफ देना, इसलिए मैंने जिम की ओपनिंग के लिए मशहूर कलाकार दारा सिंह जी को बुलाया। बस आते ही होंगे, आ गए। भाई छोटू, कैसा लगा मेरा डांस? अल्लाह माफ करे, डांस तो मैंने किया, माफी तू क्यों मांग रहा है? अरे मैं तुम्हारी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ मनुष। ओहो, गलती से मुझे याद आ गया, भाई विंदु कैसा चल रहा है आजकल? भाई वो पहले जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा फेमस हो गया है अब। क्यों भाई, 2-4 दांत और निकल आ गए उसके? चाचा एक काम क्यों नहीं करते, किसी अच्छे से इंटीरियर वाले को बुला के उसके दांत अंदर क्यों नहीं करवा लेते तुम? अच्छा, मैंने सुना है एक नए शो में विंदु को जज करने के लिए बच्चे रखे हुए हैं। गलत सुना है, बच्चों को जज करने के लिए बिंदु को रखा है। ओहो हो, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली भाई, विंदु जज बन गया। ओहो हो, पैसा वैसा पर एपिसोड 10,000 दे रहा है। खुदा कसम, देख लो मनुष्य मारो, या जज बनने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, तुम्हारी पेमेंट जरा सी लेट हो जाती है तुम बुरा मान जाते हो। बता, उद्घाटन के लिए तूने कब बुलाया है, क्या करना है, कब करना उद्घाटन? बताओ, किस बात की जल्दी है यार, फीता ही तो काटना, ले काट ले। काटना है, मैं तो उसे फाड़ दूंगा। अबे तेरा बेड़ा गरक जाए, अबे उद्घाटन करना, उसकी इज्जत थोड़ी लूटनी है। मुझे गुस्सा बड़ा जोर से आ रहा है। अबे तो घर से करके क्यों नहीं आता है? एक बात बता, तू एक्टिंग के बारे में क्या जानता है? मैं एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, मैं तुझे सिखाता हूँ। हाँ बताओ। एक्टिंग में 2 चीज़ें जरूरी होती है। हाँ जी। एक क्या होती है बता? एक तो सबको अच्छी तरह से उर्दू आनी चाहिए। तेरा बेड़ा गरको, तेरा सत्यानाश जा भाई, ये वर्ड तो मैंने कहीं सुना हुआ है। अगर आपको उर्दू स्पष्ट नहीं आती है तो आप बड़े स्टार नहीं बन सकते हो। आहो, खुदा कसम, अब मेरी समझ में आ गया कि आज तक ये बड़ा स्टार क्यों नहीं बनाया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बाहर धर्मेंद्र खड़ा है, वो भी यही कह रहा है, जा उसके साथ मिलने जा। आहो, इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 2 ही चीजें बनाई, एक अपनी बॉडी, एक विंदु। और इस उम्र में ना बॉडी काम आ रही है ना विंदु। कोई है, कोई है? अबे खुदा कसम, एक बार सामने तो देख ले, तब तो पता चलेगा कि कोई है। आते ही पूरा जिम घूम लिया मनुष, एक वो कोना बचा, लगे हाथ घूम ले वहां भी। लगे हाथ घूम लू या घूम के उसे हाथ लगा दू? तेरा बेड़ा घर को, तेरा सत्यानाश है, खबरदार जो उसे हाथ लगाया। ये गरीबी में मेरे बड़े काम आई है, इसने नाच नाच के मेरे कर्जे उतारे। नाच, अरे तू यहाँ क्या लेने आया? मैं यहाँ पे जिम ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, जिम ज्वाइन करने के लिए। 1 मिनट रुक जा यार। ये क्या कर रहे हो? अबे तेरा बेड़ा घर को, तेरा सत्यानाश जा। तू जिम ज्वाइन करना चाहता है, मैं जिम से तो पूछ लूँ कि वो तुझे ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं। मुझे जिम करना है। कहाँ है ट्रेडमिल, कहाँ है, कहाँ है ट्रेडमिल, कहाँ है? यार इतना हिलता ऐसे कहां से दिखेगी ट्रेडमिल? अबे मनुष, यहाँ तो पड़ी ट्रेडमिल, ले कर ले। ओके, ले कर ट्रेडमिल। अभी मजा जगा दो इसे। रोको, रोको, कोई इसे रोको। रोको, कोई इसे रोको। पिछले 50 साल से ऑडियंस भी कह रही है कि कोई इसे रोको, इसे फिल्में मत बनाने दो। अब ये नहीं रुकने वाली मनु, सब तो घर जाके रुकेगी। चल भाग भाग। अजीब आदमी है यार, कितना हिलता है ये आदमी। खुदा कसम एक बार ये बस में खड़ा था और हिल रहा था। कंडक्टर ने आके बोला, चाचा बाद में हिलना, पहले बस को स्टार्ट तो होने दो। शाम तो घर के छेनो आया था। अरे लवली, अबे तेरा बेड़ा घर को, तेरा सत्यानाश। अभी शाम आके गया, वो भी यही कह के गया कि शेनू आए तो कहना शाम आया था। अबे तुम दोनों एक टाइम पे क्यों नहीं आते हो? मनुष मारो। अबे मेरे घास के तिनके, मेरे आरती के फूल, अबे चप्पड़ गंजू की आलात। अबे तेरा हाथ कोई और मोड़ गया, तू गुस्सा किसी और पे उतार रहा है। मेरा हाथ किसी ने मोड़ा नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। अजीब आदमी है यार, लोग मोड़ देखते हैं तो हाथ दिखाते हैं। इसने हाथ दिखाया, किसी ने मोड़ दिया। मनुष खामोश। चले को आग कहते हैं, भुजे को राग कहते हैं, जिस आग से बना बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। समझा भाई साहब, आपको कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं? मुझे 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 रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते, नाम है शहंशाह। अल्लाह माफ करे, बच्चन साहब ऐसे ही कहते हैं कि मेरा डायलॉग है। मेरे खाली 4 ही डायलॉग हिट है, 5वां आया तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारना पड़ा। समझा? एक शब्द मत बोलना, मुझे जिम करने दे। हाँ। अब एक बात बता यार, इस जिम में मैंने तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। अबे पहले कहां देखा, मैं आता ही बाद में हूं मैं। हाँ ओके, हो गया, मैं चलता हूं। अबे रोक, अबे रोक, इधर आ। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश। जाबे उस हाथ में क्या है? क्या इस हाथ में क्या? मनुष तेरा हाथ दिखा, तेरा ओहो स्टाइल मारने की आड़ में डंबल चुरा रहा मनुष। तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जिम के हर सेट में से एक डंबल कम कैसे हो रहा है। तू लेके जा रहा है। रख डंबल, रख। डंबल डंबल के दिन पैदा हुआ था, डंबल डंबल लेके जाएगा। समझा? अबे ये सब तो आ गए, लेकिन वो मनुष मारा नहीं आ रहा जिसके लिए मैं जिम में आ गया हूँ। कहाँ बे? खुदा कसम, अल्लाह किसी को इतनी दौलत ना दे। अर्चना जी देख लो, इतना अमीर नौकर हूँ कि मैंने अपने लिए एक मालिक रखा हुआ है। ये जिम इतना खाली क्यों है? अबे जिम में तो फिर भी मशीन है। मनुष तू अपना देख, तू कितना खाली है। ओहो माशाल्लाह, क्या होठ है इसके, इतने बड़े होठ है। खुदा कसम बच्चों को झूला झुलाने के काम आते हैं। एक ही ऐसा एक्टर है मनुष, हीरोइन अपने घर पे बैठी होती है और कह रही होती है होठों से छू लो तुम, और ये अपने घर के बैठ के उसको पप्पी दे रहा होता है मनुष। अरे पप्पी की होम डिलीवरी करने वाले मनुष एक्टर। तू ये बोल रहा है कि मैं तेरा मालिक हूं? मालेगा। खुदा कसम तू ये बोल रहा है कि इस बात के पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ। बकवास बनने की ना, दफा कर दूंगा तुझे यहाँ से। तू मुझे दफा करेगा? हाँ। दफा करेगा? हाँ। तो ठीक है, मैं फिर से एक्टिंग शुरू कर दूंगा। अबे अल्लाह माफ करे, पहले कब करता था बे जो फिर से करेगा। अब जिम में आए तो कुछ काम वाम कर ले, कुछ वर्कआउट कर ले, चल एक्सरसाइज कर ले। ठीक है। अब मेरी समझ में, अल्लाह माफ करे, ये अपनी फिल्मों में भी एक्सरसाइज करता था और पैसे डांस के ले रहा था मनुष। अबे जिम का मालिक है, कोई जिम्मेदारी वाला काम तो कर। जिम्मेदारी वाला काम? हाँ, जिम्मेदारी वाला काम। एक मिनट, शटर डाउन। अल्लाह माफ करे यार, इससे तो बस चलती दुकानें बंद करवा लो। अबे आजा, कहाँ जा रहा है? नंबर क्या अब्बा लेगा? रोहित, क्या ये जिम आप ज्वाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। शकील के साथ तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या बेइज्जती कर दे। ओवरऑल एक्ट बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से क्लाइमैक्स का हाई पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शुरू बहुत अच्छा करते हो, क्लाइमैक्स में नीचे आ जाते हो। 1 थिंग वी शुड रिमेंबर कि पब्लिक क्लाइमैक्स लेके ही बाहर आती है। जो लास्ट परफॉर्म किया अपने अन्ना का, वो मुझे लगा थोड़ा सा डाउन हो गया था। अदरवाइज इट वॉज अ नाइस एक्ट। शेखर बहुत 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 इफेक्टिव। बहुत बढ़िया एक्ट था आप दोनों का। वीआईपी यू स्पेशली जो आपने खास तौर पे बहुत अच्छे बंद करो नाच कर। एंड स्वप्निल I think you have mastered being शकील। अब उसके जो थोड़ी बहुत आने की उम्मीद थी मुझे भी वो रास्ता बंद नजर आता दिख रहा है। Very very delightful act, very enjoyable act। अर्चना स्वप्निल बहुत ज़्यादा comfort level है तुम्हारा on this stage। आपकी मेहनत और आपकी जो preparation होती है स्वप्निल और आपका talent, the combination is deadly and that is what is keeping you there in this competition and I hope you remember। Thank you। आइए जानते हैं पूरन्स के स्कोर। मेरे दो शेरों के लिए फॉर द पूरन्स दिस हिप हॉप 9 पॉइंट्स। वीआईपी म्यूजिक निकालो। 9 पॉइंट्स अगेन। क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे पूरन्स के लिए। अरे ओ सुरिंदर कितने आदमी थे? 4, सिर्फ 4। सिर्फ 4 टीम्स बची हैं अब इस महासंग्राम में। पिछले हफ्ते और आज की स्कोर्स जोड़कर इनमें से कोई एक टीम आज हो जाएगी शहीद। आज हमें पता चलेगा कि कॉमेडी के महासंग्राम की फिनाले की तरफ कौन सी 3 टीम्स जाएंगी और कल हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम बनेगी क्रिकेट के महासंग्राम IPL की विजेता। Hey! कभी कभी अवार्ड जीतने के लिए अवार्ड खरीदने भी पड़ते हैं। हाँ, और अवार्ड खरीद कर जीतने वाले को स्टार कहते हैं। आइए सुनते हैं अवार्ड की कहानी सीजन 2 के सुमंस, कृष्णा और सुदेश की जुबानी। जोरदार तालियां। मैं ये शो बिल्कुल नहीं करूंगी। ऑर्गेनाइजर ने मुझे पीछे ही पकड़ लिया, कहता है यही होश करो। ऐसी ऐसी हरकतें कि मैंने उसके होश ही उड़ा दिए। अर्चना जी, शेखर जी और रोहित जी, आज आपको सुन के एक बात बहुत खुशी होगी कि इस एपिसोड में मैं अपने डायलॉग बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज मैंने रिस्क निकले नहीं लिया, स्क्रिप्ट में साथ में लाई हूं। शुरू करते हैं अपना स्क्रीन अवार्ड। सबसे पहले क्षमा रोशन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट यश चोपड़ा जी को। नहीं सर, ये सब बाद में, पहले शो शुरू करें। सर शो शुरू हो गया, प्लीज चिंगम फेंको। सर चिंगम के बिना भी ऐसे ही बोलते हो, तो चिंगम काय को वेस्ट किया। क्या समझ रही हो? बड़ा बर्तन तो बैठ सर। सर सर ये ऑर्गेनाइजर है, बड़ा माँ का दिन है सर, इसने मेरी पेमेंट दी, जरा गिन दो। पूरे 99,000। ए 1000 रुपए खा गए। सर अब जिस काम के लिए आए वो करें सर। आइए समय रोशन सर, थोड़ा ऊपर सर। सर अब आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, ऐसे नहीं समझेंगे ये लोग, सब टाइटल चलाने पड़ेंगे। बोलिए सर। सर ऐसा ही नहीं हो सकता, इधर जज को कभी कभी एक्ट समझ नहीं आते, अगर आप जज बन गए तो कमेंट कभी भी समझ नहीं आएंगे। ये सब टाइटल खत्म हो गए इधर। देखिए, अगर आपको गलती से मेरा कोई लफ्ज समझ आ गया हो तो माफी चाहता हूँ। देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ, रोहित जी, मेरे ख्याल से आपको अपनी कभी लाइफ में कभी भी कोई अवार्ड तो मिला ही होगा ना सर? लेकिन सर, मैंने अपनी इंडस्ट्री में इतना काम किया है सर कि मुझे आज तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आज अवार्ड खुद मेरे पास चल के आएगा। जो निर्माण जी अवार्ड नु तुसी बदनाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ माय अवार्ड, यू आर सो हैंडसम। सची, आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं खुश हो गया हूँ। नहीं तो मैं सोचता था कि शायद मेरी जिंदगी में सारी सुंदर लड़कियां लिखी है। ए, क्या मेरी बेइज्जती कर रहा है तू? अच्छा, आज हमने आपकी बेइज्जती कर दी तो गुस्सा। हर साल आप मेरी बेइज्जती करती हो, वो कौन है? किसी को भी दे देती हो, अरे गहरे को, मुझको उठा के। शर्म नहीं आती आपको? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अगर अगले साल भी अर्जुन रामपाल को मिला ना तो भी हम नहीं देंगे सर। सची? हाँ सची। बस, अगर आपने क्या दिया ना तो बस झूठ ही होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को तो मैं पीछे देखती हूँ, तू आ पीछे। हेलो, आप कहाँ जा रही हो? अगर आप चलेगी तो ये होस्ट कौन करेगा यार? तू ही होस्ट करेगा अभी। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? बेसिक रहोगे आप, नहीं जा सकते आप। मेरी एग्जिट लिखी है देख। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये अवार्ड इस शो को होस्ट करेगा। जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। सबसे पहले मैं दावत देने जा रहा हूँ फिल्म स्टार, मशहूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सलमान खान के बहुत बड़े फैन राहुल राय। जोरदार तालियां। मैंने अपनी माँ को एक वादा किया था कि माँ, एक दिन सारे अवार्ड मैं ही लेकर आऊंगा, और आज मैंने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। सारे अवार्ड मैं ही लेकर आया हूँ दुकान से। सर, डिलीवरी कहाँ देनी है? और ये कैसे काम कर रहे हो साजी आप? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बंबई शहर में मैंने अपना ऑटो रिक्शा भी खरीद लिया है। अरे इससे कहते हैं तरक्की। ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान क्या तरक्की की है यार, इतना पैसा कमा के एक भी ऑटो रिक्शा अपना नहीं ले सके। इन लोगों को मैं रोज कहता रहा कि राहुल राय नाम का एक हीरो है। ये मानते नहीं। आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक ये मानेंगे नहीं। सर जी जाओ। क्यों? कहते मान गए। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल मैं फिर वापस आऊंगा। क्यों? शो के बाद तेरा बाप कुर्सियां उठाएगा। ओ सर जी। शो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हर मैयत के समय याद रखिए, कृष्णा डांसर, पेमेंट सिर्फ 300 रुपया, और साथ में फ्री कश्मीरा। इतनी भी फ्री नहीं है वो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम थोड़े बुजुर्गों को भी अवार्ड देंगे, लाइफ टाइम रिटायरमेंट अवार्ड्स। सबसे पहले मैं दावा दे रहा हूं देव साहब को। आज के दावेदार देव साहब, जोरदार तालियां। सॉरी, अभी तक तैयार नहीं हुए। हाँ जी, ठीक जगह पहुंचो। ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड का हकदार समझा। नहीं सर जी, बंदा गलत भी हो ही सकता है। देखो, मैं तब तक ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं लूँगा जब तक मैं एक हिट फिल्म नहीं दे देता। लगता है इस जन्म में ये रिटायरमेंट कभी नहीं होंगे। खैर, मैं अगले दावेदार को आवाज़ देता हूँ जोरदार ताकियों के साथ। आप समझ गए होंगे जीतू साहब। वो यहाँ आ तो नहीं रहे क्योंकि वो प्रॉब्लम थी, बिजी हैं सोने में, तो हम बड़ी मुश्किल से उनका एक मैसेज लेके आए हैं। तो जीतू जी, मैसेज। नमस्कार। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत नाखुश हूँ। आप तो स्क्रीन में आपको खुश होना चाहिए। क्या मुझे एक बात बताओ, ये अवार्ड फंक्शन किसने रखा है? हमारे चेयरमैन सुरेंद्र जी ने। अरे ये तो मैन भी ठीक से नहीं है और इसको चेयर भी नहीं थी बैठने के लिए। थबर 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 करता रहता है। एक मिनट सुरेंद्र सर जी, यहाँ बातें करना बहुत आसान है, स्टेज पे आके बात करें तो पता चलता है टांगे कामती हैं। हमें पता, आज तक जितने भी कलाकार आए हैं वो हमें कह के गए हैं कि स्टेज बड़ी मुश्किल है। मैं खुद इतना मुश्किल काम करता हूँ। आप चले गए ना, बड़े बड़े डर के चले गए। तो देखो, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम कलाकार हैं। हम ऑडियंस को इतना एंटरटेन करते हैं, इतने सालों तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, क्यों किसी की मेहनत को रोकते हो? हाँ सर जी, आज मैं सभी कॉमेडियंस की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपकी नकलें उतारी हैं। लेकिन आपको एक बात कहूँ, आप फिल्मों से ज़्यादा मैसी में अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मेरी बात मानो, 2-2.5 घंटे का मैसी रिकॉर्ड करके हर थिएटर में रिलीज कर दो, आप फिर स्टार बन जाएंगे। बकवास बंद कर। रोहित यार, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ यार। तू जो इन जोड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए गालियाँ, मेरा मतलब गाड़ियाँ देता है ना, आज तुझे मैं कुछ देना चाहता हूँ। 1 मिनट। जाओ, जाके दे दो। थैंक यू सर, इसी बहाने में हाथ मिला लूंगा। ए, 150 रुपया ले लेना। 150 रुपया किस बात का? अरे 100 में तो मैंने लिए, 50 का तो मार्जिन रखो। ऑडियंस, कोई भी काम छोटा नहीं होता। क्यों? मैसेज ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अर्चना, ये अवार्ड फंक्शन आपको कैसा लगा? आप जब भी करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। स्पेशली द फर्स्ट हाफ वॉज एब्सोल्यूटली माइंड ब्लोइंग। गॉड ब्लेस यू बोथ। लीथल कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने कभी स्टेज पे देखा नहीं तो, और जो आप लोगों ने यश जी का किया है यार, सॉरी यश जी। अरे बात लग जाएगी हमारी बाहर यार। हम मत लोग बाहर कैसे जाएंगे हम? बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। हर बार यही बोलते हैं जब भी आप लोग स्टेज पे आते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और नयापन था इस एक्ट में, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जो आप लोगों ने किया। इट वाज अ फैबुलस एक्ट एंड थैंक्स फॉर द ऑटो रिक्शा। It was a completely mad act. आपने देखा है, वो अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। People were falling all over the place. I had a cut also, मतलब पहली बार. That just shows that you guys are a cut above the rest. But an amazing act. चलिए अब man scores भी दे दीजिए. It's a 10 obviously. 10 points. क्या बात है, अर्चना? From the moment Krishna just entered in that red dress, I had to give only this for your act. 10 points again. इतनी शिद्दत से हम हीरोइन बनने का कोशिश किया है कि हर प्रोड्यूसर ने हमको पाने का साजिश किया है। ये तो कोई बात है। अब हम आपको ले चल रहे हैं एक तो भोजपुरी फिल्म की मेकिंग वहाँ पे। सो प्लीज वेलकम सीजन 3 के सेटिस, भोजपुरी एक्ट्रेस भारती, प्रोड्यूसर शरद एंड हीरो कम विलन परेश। अब तो मालिक आपकी दुआ चाहिए। गाँव से आया हूँ, काका का बहुत बड़ा फैन हूँ। फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हीरो भी मैं ही बनूंगा। बस साइड हीरो की तलाश है, जब वो साइड से आएगा तब मिल ही जाएगा रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, द फेमस सिंगर, जौनपुर। यहाँ लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन नहीं चल रहा है, चल बाहर निकल मार। सर हमारे सर को ऐसा वैसा ना समझिए, ये बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ 5 फुट 2 इंच। यस 2.5 इंच। और हाँ हमारे सर म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह है। और इनका नाम है अन्नू लीकेज। अन्नू लीकेज? हाँ, अरे सर मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ कि मेरे अंग अंग से टैलेंट लीक होता रहता है। सर आप जानते नहीं मेरा बैंड कितना बड़ा है। अबे जब तेरा बैंड इतना बड़ा है तो सिर्फ एक ड्रम लेके क्यों घूम रहा है तू? तेरी ये हिम्मत ही तेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा दिए। ये है इंडियन शकीरा। शुई आहा। मैंने एक लेटेस्ट एल्बम बनाया है जिसमें मैंने इसे सानिया मिर्जा बनाया। सर एक बार आपकी फिल्म में मुझे चांस दे दीजिए सर, आपके बाकी सारे स्टार कास्ट के पैसे बच जाएंगे। देखिए सर मुझे गाना आता है, नाचना आता है, हंसाना आता है, रुलाना आता है। और सर मेरे पास जो एक टैलेंट है ना वो आज के किसी भी हीरो के पास नहीं। ये देखिए मेरे 6 पैक्स। अबे इसे 6 पैक नहीं पेट की झुर्रियाँ कहते हैं। अगर आदमी 6 दिन तक खाना ना खाए तो ऐसी रेखाएं बन जाती हैं, ये कमजोरी की निशानी है। तू मेरे किसी काम का नहीं चाहिए। इनके पास ऐसा टैलेंट है जो इन दोनों के पास भी नहीं है। सर इनके पास कहानी है? है। मेरे पास एक फर्स्ट क्लास कहानी है। मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में ले लिया, कहानी बताओ। सर कहानी में एक हीरो है और एक हीरोइन। हीरो हीरोइन से प्यार करता है। अबे फिल्म मेरी है, हीरो मैं बनूंगा। ठीक है तो मैं बन जाता हूँ विलन। हीरो हीरोइन से प्यार करती है लेकिन हीरोइन विलन से प्यार करती है। ये बिल्कुल ठीक हीरोइन नहीं है। क्यों? अरे देखो हीरोइन बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। सर ये मैं तुम्हें बोल के नहीं बताऊंगा। सर ये तो बहुत सही आइटम है यार। सर आइटम को छोड़िए और विलन को पकड़िए। हीरोइन विलन से प्यार करती है इसलिए हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो विलन को एक लाफा बजा देता है। और फिर विलन हीरो को लेटा लेटा के मारता है। अबे हीरो के वापस आके नहीं मारेगा? नहीं, उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। तो एक काम करो, हाँ तुम हीरो को कमीना दिखा दो, वो अपनी माँ की कसम तोड़ देता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हीरो का बाप विलन के कब्जे में है। अरे यार तो हीरो क्या पूरी फिल्म में कुछ करेगा ही नहीं? नहीं करेगा ना सर, करेगा। सेकेंड सीन हीरो हीरोइन को उठाने आता है। हिम्मत है तो उठा ले। अबे इसे कौन उठाएगा? हाँ घोड़ा, घोड़ा उठाएगा सर। हीरो घोड़े पर आ रहा है। सडनली हीरो को याद आता है कि उसने तो चप्पल ही नहीं पहने। वो घर वापस जाता है। जब हीरो घर से वापस आता है तो देखता है तो हीरोइन विलन के साथ भाग चुकी है। अरे यार फिर मिस हो गई यार। हाँ। हाँ। क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे? क्या आगे हुआ? आगे सर सीधा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में विलन की शादी हीरोइन से होती है। फिर क्या? हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो खुन्नस की आग में अपनी गन निकालता है और विलन पर तान देता है। हाँ, और गोली मार देता है। सर आप हीरो हैं, निहत्थे आदमी पे कैसे गोली चलाएंगे? फिर हीरो हीरोइन को और विलन को देखता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। हृदय परिवर्तन, और वो इन दोनों को आशीर्वाद देता है। अरे यार मुझे तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आई, तुम जाओ ऐसे जाओ। एक मिनट सर, फोन आया। हेलो, या टॉकिंग? क्या मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया। मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया सर, थैंक यू थैंक यू। अबे यार इस कहानी को ऑस्कर कैसे मिल सकता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जो उनको भी समझ में नहीं आता है उसी को उन लोग ऑस्कर दे देते हैं। थैंक यू। अर्चना, आई थॉट बहुत ही क्यूट एक्ट था, और परेश भारती आपने बहुत बहुत एनर्जी डाली इस एक्ट में। आई जस्ट फेल्ट कि जितनी अच्छी तरह से शुरू हुआ था उतना ये बीच में प्लेटो होकर फिर थोड़ा नीचे आने लगा। आई कांट से इट वाज अ वेरी 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 गुड एक्ट बट इट वाज एंजॉयबल। शेखर, आप लोगों का एफर्टवा सब जो था वो बहुत अच्छा था, ख़ासतौर पर शरद आपका, भारती आपका डांस तो वाकई फिर से एक बार ज़रा दिखाई, एक बार हमरे खातिर आय हाय का नाचा था वो। उसने संभाल लिया पूरे एक्ट को। रोहित, मेहनत की आप तीनों ने, और जो लैंग्वेज यूज़ की, यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट लैंग्वेज, और फिर भी आप लोगों ने परफॉर्म किया और अपना 100% दिया फॉर श्योर। अब जानते हैं स्कोर्स सटिया के ग्रुप के। 8 पॉइंट्स फ्रॉम मी आल्सो, इट्स एन 8 पॉइंट्स। कभी ना दिखने वाले मिस्टर इंडिया आज दिखेंगे, सो प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेट्टीज, राजीव एज मिस्टर इंडिया, रश्मि एज हवा हवाई एंड सलोनी एज मोगैम्बो। पहले दादाजी ने एक गैजेट बनाया जिसे पहन के वो गायब हो जाते हैं और फिर देश सेवा के लिए घर घर में जाके सेवा करते हैं। दादाजी आप मलिका के बाथरूम में। आप गलत मत समझिए, एक्चुअली मलिका तो 3-3 दिन नहाती नहीं है, कहीं मेकअप ना उतर जाए, इसलिए उनके बाथरूम में नहाने चले जाते हैं दादाजी। वैसे कुछ नहीं है। दादाजी मत जाइए उधर, लड़की नहीं है वो, मेकअप करके पहलवान बैठा हुआ है, मत करो। गैजेट दे दीजिए मुझे, हवा हवाई को छुड़ाना है मोगैम्बो के अड्डे से प्लीज। दादाजी दादाजी हे मोगैम्बो। मोगैम्बो खुश हुआ। ले 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 ले, कितनी प्याली बातें करता है, कुछ कितना प्याला बच्चा है ना। देखिए ये बच्चा नहीं है, पूरे का पूरा आदमी है। मोगैम्बो खुश हुआ। बॉस इस पोज में तो कोई भी खुश होगा, छोड़ दीजिए उसको। छोड़, इसका क्या करना है बॉब कृष्णो? जो करना था वो तो आपने कर लिया। तू मिस्टर इंडिया को बुला। वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। क्यों? उसके मुंह पे पिंपल है क्या? वो सामने नहीं आएगा। बुला, वरना मैं बॉब क्रिस्टो को तुझ पर छोड़ दूंगा। ये हट हट हट, दूर चल, सीधा खड़ा रह। ये पकड़, थोड़ा ऊपर पकड़। अब थोड़ा हवा का इफेक्ट दो। अब मैं गाना गाऊंगी तो मिस्टर इंडिया जरूर आएगा। वो मिस्टर इंडिया है कि पुरानी फिल्मों का रंजीत। हे मिस्टर इंडिया, भागो। अरे ये तो भाग गया। ये तुम्हारा मिस्टर इंडिया नजर क्यों नहीं आता? वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही दिखाई देता है। झूठ बोलता है, हम तो वहां पे रोज जाता है, वहां तो हमें दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे पास लाल कलर का चश्मा, अगर तुम पहनोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा मेरा मिस्टर इंडिया। What the hell is this? 25 रुपए के कलाकार को देखने के लिए 50 रुपए खर्चा करें? No, 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 sorry, 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 sorry. छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई देख नहीं सकता, बेचारी मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ बदमाशी मत करो, सीधी तरह से सामने आ जाओ। वैसे भी पैसे तुम्हें उसी के मिलने हैं जिस सीन्स में तुम दिखाई दोगे। हे मोगैम्बो। दोगे पहले? क्योंकि मैंने 50 रुपए खर्च किया है इसके लिए। झका लो, आ गए मेरे मिस्टर इंडिया। मैं इधर खड़ा हूँ। लो, इधर ही कहीं होंगे मिस्टर इंडिया। यस, मुझे गैजेट मिल गया। मैं गायब हो गया। यस, मैं गायब हो गया। अबे ओए, गैजेट बांधोगे तो गायब हो गए। ओके, तुमने वो गैजेट उसे क्यों दे दिया? पता, तुम जब नहीं दिखते हो तो कितना अच्छे से रोमांस करते हो। कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया था। हाँ? अबे कल रात तो मेरे दादाजी ने गैजेट बांधा हुआ था। अबे ये बुड्ढा मेरा बाप पैदा करके ही मानेगा कि गैजेट ने सबका फायदा किया, मेरी बारी आई तो निकल गया। कैसे सबका फायदा किया? अरे मुझसे पहले अर्चना जी के पास था। लेकिन अर्चना तो शुरू से ही शो में, वो तो कभी गायब नहीं हुई। उन्होंने आप नहीं बांधा ना, पहले जॉनी लीवर के बांधा, फिर सतीश शाह के, दोनों गायब हो गए। आप दोनों भी ध्यान रखना। मोगेम्बो खुश हुआ। लेकिन मोगेम्बो, तुमने तो वो लिया था गैजेट, तुम फिर भी दिख रहे हो। मैंने 3 चीजों के लिए वो गैजेट रखा है। किन 3 चीजों के लिए? आतंकवाद, महंगाई और तीसरा राम गोपाल वर्मा। आपने तो देश का भला कर दिया, अब उनसे पूछ लो कि हमारा कितना भला हुआ। Archana, I think good attempt, but could have been better. Shekhar? इसमें एक नहीं कई मिस्टर इंडिया थे। एक तो मिस्टर इंडिया जो हैं वो एक स्क्रिप्ट मिस्टर इंडिया जो कि गायब नज़र ही नहीं आई, जो कोऑर्डिनेशन था वो मिस्टर इंडिया, जो कहानी थी वो मिस्टर इंडिया, तो सभी कुछ मुझे इसमें गायब ही गायब नज़र आया। सिर्फ जो थोड़ी बहुत नज़र आई वो रश्मि, आई थिंक शी लुक वेरी प्रिटी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और जो उन्होंने वो एक्ट किया श्री देवी वाला, that was the only noticeable part of the whole act. Rohit Shetty को क्या कहेंगे आप? आप लोगों ने मेहनत की, स्क्रिप्ट ने साथ नहीं दिया, that's all. अब बारी है स्कोर की। 7 points. 7 points again. आज बॉलीवुड स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचा दी, लेकिन अब एलिमिनेशन। पिछले हफ्ते के स्कोर्स और आज के स्कोर्स को जोड़कर आज की पहली बॉटम टीम है शेट्टीज के शरद, परेश और भारती, और हमारी दूसरी बॉटम टीम है, अफसोस, फिर से शेट्टीज के राजीव, रश्मि और सलोनी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी टीम में से फेस ऑफ के लिए कौन आने वाला है? मैं। राजीव जी आप आएंगे, और आप में से फेस ऑफ के लिए कौन आने वाला है? हर बार की तरह इस बार मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, शरद और परेश जी देख लें किसने आना है। आई थिंक शरद आएगा। ऑल राइट, ओके, शरद आने वाले हैं शेट्टीज की तरफ से। क्या बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं फेस ऑफ की, और शुरुआत करेंगे शेट्टीज के राजीव। जोरदार तालियां राजीव के लिए। फिर डेंजर जोन में। मैं जब पैदा हुआ था तभी से डेंजर जोन में, 7 महीने का पैदा हो गया था। तो इनको लगा कि ये डेंजर जोन परफेक्शनिस्ट है, इसको लाओ। लेकिन अर्चना जी का तो डेंजर जोन में मैं ज़्यादा स्पेशलिस्ट इनको मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे टीम चुनती हैं डेंजर जोन के लिए। ख्याल ही अपनी टीम में रखा हुआ था। इससे बड़ी डेंजर जोन क्या होगी। मुझे हुसन दिया हुआ है, हुसन बानो दी हुई है, और सच्ची बात है ये तो पार्टनर दिए, कहीं ऐसी बीवी मिल जाए ना तो आदमी अपने बाप के साथ लड़ पड़ता है। छोड़ो, उसके क्या बात करते, मुझसे करो। और अगर बीवी कहीं भारती जैसी हो, आदमी रात को 10 बजे सोचता है, यार बैठना ताश खेल, घर जाके क्या करना है। ऐसी खूबसूरत लड़कियां, हसीन लड़कियां, अगर इनको चौकीदार लगा दे तो बेस्ट जॉब। चोरियां होनी नहीं है। पूछो क्यों? आधी आधी रात को मर्द दरवाजे खोले, हैं चौकीदार नहीं आई। आज तो चौकीदार आवाज लगाता है ना, जागते रहो। अंदर आता है, अबे साले हमें जागना, तुझे नौकरी पे क्यों रखा है। और जब इसने आवाज लगानी है, जागते रहो, ऐसे जागते रहो। अंदर से आवाज आनी है, हम तो जाग रहे, तुझे सोना तो आजा। अगले दिन शिकायतें कैसी हो रही हैं। सुरिंदर जैसे आदमी उठ के शिकायतें कर रहे हैं, ठाकर साहब ये कोई बात है, इसको नौकरी से बाहर निकालो, ये करेक्टर लेस है। मैं, क्यों? अच्छा जी, तुम्हारे दरवाजे पे 4 सीटियां, हमारे दरवाजे पे 1। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फेस ऑफ में अब अगले आ रहे हैं शेट्टीज के शरद, जोरदार तालियां। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात पता है क्या है सर जी, मुझसे जब ये लोग पूछने आए आप करेंगे, उन्होंने कहा कि सर्कस करना है। मैंने कहा इतना तो मुझे आता ही है तो मैं कर ही लूँगा। बाद में पता चला कि कॉमेडी भी करनी है, वो तो मुझे आती नहीं है। और वैसे भी अगर मैं यहाँ फंसा हूँ तो इसका रीज़न है भारती, क्योंकि शेखर जी भारती को देख के ये नंबर काट देते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने जो किया है बहुत ही समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि मैंने फिर से गौर से देखा, लेकिन फिर से मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि अर्चना जी मुझे पिंच कर देती हैं बाजू से। इतना मत समझो, मैंने समझ लिया कि इनको 8 ही नंबर देने हैं। अब चूंकि मैं आ गया हूँ यहाँ पर तो टाइम वेस्ट न करके कुछ दिखाता हूँ जो मुझे मौका नहीं मिला है। अब बारी है स्कोर्स अनाउंस करने की, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि हमारी दोनों ही बॉटम टीम्स यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले शरद, रोहित ने आपको दिए हैं 7 पॉइंट्स, अर्चना ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स और शेखर ने आपको दिए हैं 7 पॉइंट्स, यानी आपका टोटल स्कोर हुआ 22। राजीव, आपको रोहित ने दिए हैं 8 पॉइंट्स, शेखर ने दिए हैं 8 पॉइंट्स और अर्चना ने दिए हैं 9 पॉइंट्स, यानी आपका स्कोर हुआ 25। कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। अफसोस शरद, परेश और भारती, आज आप हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? कॉमेडी एक ऐसा पहलू था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, करने का मौका मिला, इतने अच्छे पार्टनर्स मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कॉमेडी सर्कस, थैंक यू सो मच सोनी टीवी। जब मुझे ये शो ऑफर किया गया तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया कि मेरा जो थिएटर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा शार्पन करने मिलेगा, मेरी एक्टिंग स्किल जो भी हैं। लेकिन सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखी मैंने यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे पार्टनर्स से, बाकी सब कंटेस्टेंट से और आप लोगों से, और इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। बहुत मज़ा आया, एक फैमिली की तरह मैंने यहाँ पे काम किया और जोड़ी तो अलग ही थी, मैं मोटी, ये छोटे, ये लंबे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और थैंक्स राइटर का कहूँगी, सुरिंदर बाजी थैंक यू, रोहित जी मिस यू। थैंक यू गाइज, यू बीन वंडरफुल एंड वील डेफिनेटली मिस यू। महासंग्राम में अब बची है सिर्फ 3 जोड़ियां और अब यहाँ से ये जंग होने वाली है कई गुना ज्यादा मुश्किल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और ऐसे ही हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे, ओनली ऑन हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।